सो द रोल ऑफ़ सैम्पल साइज़ इन स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमने बहुत ही रिपीटेडली बात की है कि सैम्पल साइज डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एस्टिमेशन uh, से हमारे टेस्टिंग हाइपोथेसिस से हमारे पावर ऑफ द टेस्ट से सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में सैम्पल साइज का क्या रोल है इफ नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल डू नॉट ओवरलैप तो वी कैन कंक्लूड दैट द मीन्स कम फ्राम द डिफरेंट पॉपुलेशन अभी मैंने आपको बताया पावर ऑफ द टेस्ट के अंदर ही कि एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नल हाइपोथसिस के लिए और इसके अगेंस्ट एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है अपने अल्टरनेट हाइपोथसिस के लिए और जो ओवरलैपिंग बेसिकली है वो हमें बताती है कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा ईच अदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा बीटा और अल्फा यानी टाइप वन टाइप टू एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे यानी वो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सांपा साइज़ ज़्यादा है तो मोर लाइकली हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरलैपिंग नहीं बनते और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनते हैं कि उसमें ओवरलैपिंग एरिया uh, कम से कम होता जाता है। सो इफ़ देर नो ओवरलैपिंग एरिया मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूशन आर इंडिपेंडेंट इन वी कैन मेक अ राइट डिसीजन सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ़ दे डू नॉट ओवरलैप वी कैन कंक्लूड दट मींस कम फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन एंड देफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सो अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं करते तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वी विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस और उसमें हमारे एरर के चांस भी कम है और हमारी पावर भी ज़्यादा है और ये कैसे होगा हमारा सांपर साइज़ जब इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे हम सांपर साइज़ इंक्रीज करते जाते हैं वी आर अप्रोचिंग और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नॉर्मल ज़्यादा होमोजीनियस और इस तरह होता जाता है तो फिर इस वजह से हमारी ओवरलैपिंग uh, कम हो जाती है और हमारा पावर भी इंक्रीज हो जाती है साइज़ वेदर द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी आर स्टिस्टिकली सिग्निफिकेंट कैन डिपेंड ऑन द सापसाइज अगर फर्ज करें एक रियल इफेक्ट आपका एग्जिस्ट करता है मसल मेल्स और फीमेल वाकई डिफरेंट हैं ऑन समिविटी लेवल इन द पॉपूलेशन लेकिन अगर आपने सैम्पल साइज़ फ़र्स करें टेन का या ट्वेंटी का ड्रॉ किया है लेकिन उस स्मॉल सैंपल में चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फ्लैटर बनेगा बीटा के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और फिर हमारा डिसीजन गलत होगा यानी अगर हमारा स्मॉल सैंपल साइज है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन जाएगा जिसके अंदर हमारी एरर के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे यानी हमारा एक्चुअल हमें पता है कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल डिफरेंट हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज वी विल कमिट टाइप टाइप वन एरर जहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली फॉल्स है यानी मेल और फीमेल इक्वल नहीं है लेकिन ड्यू टू द स्मॉल सैंपल साइज वी विल कमिट टाइप वन एरर एंड वी विल रिजेक्ट अ वी विल रिजेक्ट अ Um, मतलब वो नल हाइपोथिस एक्चुअली फॉल्स था लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया सो so, अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हैं तो इवन स्मॉल डिफरेंसेस भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं जैसे अभी फर्स्ट करें मेरे स्टूडेंट ने रिसर्च की और जब हमने देखा तो उसके जो गर्ल्स और बॉयज़ के सैंपल में सोशल मीडिया यूज में हार्डली uh, दो पॉइंट्स का फ़र्क था फ़र्ज का नहीं कि अगर उनका जो टाइम है सोशल मीडिया को यूज़ करने का वो थ्री आवर्स तो गर्ल्स का टाइम थ्री पॉइंट फिफ्टीन आवर्स था या लेस देन दैट था लेकिन जब हम सैंपल साइज़ इंक्रीज करते हैं तो इवन हम स्मॉल डिफरेंसेस भी डिटेक्ट कर लेते हैं जस्ट क्यों क्योंकि हमारा uh, हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं आने के लिए तो Uh, हमारी नाल uh, हाइपोथिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है सो बेसिकली द पॉइंट टू टेल यू कि हमारी सिग्निफिकेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है सांपस साइज से जब हम कंक्लूड करते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है एंड वी विल रिजेक्ट द नालाइपोथिसिस इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सांपस साइज सो इंक्रीजिंग द साइज मोस्ट लाइकली यू विल डिटेक्ट इवन द स्मॉल डिफरेंसेस एंड यू विल एंड अप एट अ राइट डिसीजन लेकिन विद द स्मॉल सैम्पल देर आर ह्यूज चांसेस ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर बिकॉज यू विल एक्चुअली नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द रियल डिफरेंसेस इन द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द स्मॉल सैम्पल साइज सो अ लार्जर सैम्पल साइज टेंस टू यील्ड झीलस्टिकली सिग्निफिकेंट वैसे ये एक बात भी है कि जैसे हम पावर ऑफ द टेस्ट कैलकुलेट करते हैं पावर ऑफ़ द टेस्ट का मतलब है कि हमें कितना सैम्पल चाहिए यानी हम कितना सैम्पल बड़ा करें कि हम इफेक्ट को डिटेक्ट कर लें पॉपुलेशन के अंदर चाहे वो बहुत टाइनी भी इफेक्ट हो फिर भी मसलन फर्स करें इफेक्ट साइज बहुत स्मॉल है तो आप वो कहेंगे 500 का अगर डेटा लेंगे तो वो इफेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा सो लार्जर सैंपल टेंस टू ईल अ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस सो अगर आपको लगे कि हमारा स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए और हम नाला हाइपथसिस को रिजेक्ट करें और अपने आल्टरनेट हाइपथिस को लिए एविडेंस ढूंढें और इफ़ेक्ट तलाश करें So increasing sample size is one. On the other hand, if the sample size is too small, an important relationship or difference can be und uh, um, undetected. Just baat kiye, Sometimes differences are there, you can see them, but in small sample, you can detect them. In this case, power of the test will be too low. So, small sample, if you detect differences, you that you the power of the test. लो हो जाएगी। पावर क्या है डिटेक्टिंग रिजेक्टिंग पावर इज द एबिलिटी द इफेक्ट दैट जैनली एग्जिस्ट एंड द इफेक्ट इज फाउंड बाई हैल सिग्निफिकेंट रिजल्ट विच इज पी स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फाइव हिंस देर इज ऑल्सो कनेक्शन बिटवीन साइज इन पी वैल्यू एसोसिएटेड विद अब वैसे बहुत से बात करते हैं कि पी वैल्यू इज़ काइन मिस लीडिंग क्यों क्योंकि हम कहते हैं कि जी आप जब एस पी एस एस में हम रिजल्ट रन करेंगे तो हम कहते हैं पी वैल्यू इफ़ इट इज़ स्मॉलर दैन पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव तो हमारे रिजल्ट सिग्नीफिकेंट है याद रखें हमने बहुत दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है और हमने कहा है कि अगर हमारे रिजल्ट इसमें आ जाते हैं विच इज़ एल्फ़ा लेवल अगर हमारी पी वैल्यू इज़ स्मॉलर दैन पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव तो हमारे रिजल्ट सिग्नीफिकेंट हैं और उसका मतलब है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और यहाँ फॉल कर रहे हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज अ रिजेक्शन रीजन लेकिन चूंकि ये सैंपल साइज से डायरेक्टली रिलेटेड है इसका मतलब कि अगर आप छोटा सा भी टाइनी इफेक्ट है तो आप उसमें सैंपल साइज इंक्रीज करके उसको डिटेक्ट कर लें पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाएगी और आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा इसलिए आप एपीए ने मस्ट uh, कर दिया हुआ है कि जब आप पी वैल्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू रिपोर्ट इफेक्ट साइज ऑल्सो कि अगर आपने सैंपल साइज़ 500 का ले लिया और टाइनी सा इफेक्ट भी डिटेक्ट कर लिया और आपने कहा मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो यू विल नॉट ओनली रिपोर्टिंग पी वैल्यू विच इज़ पॉइंट जीरो फाइव लेस दैन होनी चाहिए बल्कि यू विल यूसो भी टेलिंग इफेक्ट साइज इज़ वेरी स्मॉल मीडियम और लार्ज ये एक एग्जाम्पल दी हुई है कि स्टडी गॉट टू ग्रुप्स ऑफ टेन हेट्रोसेक्चुअल एंड गॉट देम टू गो अप टू वुमेन दैट दे फाउंड अट्रैक्टिव

तो इसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक ग्रुप के अंदर उन्होंने दोनों में टेन टेन मैन लिए हैं लेकिन जो एक ग्रुप है उसमें उन्होंने अप टू हंड्रेड तक सब्जेक्ट्स को ट्राई किया है और एक ग्रुप में उन्होंने जस्ट टेन सब्जेक्ट्स को ही ट्राई किया यानी uh, एक जो कन्वर्सेशन का ग्रुप है दे टू ओनली टेन और सिंगिंग में उन्होंने मे बी हंड्रेड तक के लोगों को इंगेज किया सो रिजल्ट शोड दैट इन बोथ केसेस The singing group had a mean of 10 and a standard deviation 3, and the conversation group had a mean of 12 and the standard deviation of 3. So dono groups may almost mean or standard deviation equal. Hai. The only difference between the two experiments is that one collected 10 scores, yani or engage, and other group saw logom ko engage or unko um, बात करने की कोशिश की सो डिफ्रेंसिस ऑफ द सेम्पल साइज एंड इन नेक्स्ट स्लाइड द कॉन्फिडेंस इन टर्वस बिकम मच नैरो वेन द सापल्स कंटेन हंड्रेड स्कोर देन वेन दे कंटेन ओनली टेन स्कोर और ये हमने पीछे भी ड्रॉ करके देखा है कि जब हमारा साम्पल साइज़ इंक्रीज करता है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप नहीं करते और इसका मतलब है कि हमारे इंडिपेंडेंट और हम सही डिसीजन के ऊपर पहुँचते हैं ये एग्जाम्पल इसमें दी हुई है देखें बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर बार्स होती हैं और हम कहते हैं कि इन दोनों को ओवरलैप नहीं करना चाहिए सो so, इसके अंदर जहाँ पे हमारा टेन का डेटा है आप देख रहे हैं कि हमारी बार्स ओवरलैप कर रही हैं ये तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आए हालांकि दोनों में दस दस लोग थे मेन थे लेकिन उसमें उन्होंने हंड्रेड लोगों को इंगेज किया था और इसमें उन्होंने टेन को किया था तो so, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओवरलैपिंग नहीं है राइट right? ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे इसका मतलब है कि यहाँ पे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है सो यू कैन सी इवन इफ मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज सेम एंड द स्टैंडर्ड स्टैंड इज ऑल्सो सेम बट स्टिल बट जस्ट इनक्रीजिंग द सैंपल साइज वी अप्रोच सिग्निफिकेंस एंड हेयर वी गॉट नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट सो दिस इज हाउ सैम्पल साइज वर्कस एंड दैट्स वाई सैम्पल साइज इज इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेजेस कि वी शुड टेक लार्जर सैम्पल Lekin we also should report the effect size as well. So the sample size affects whether a difference between samples is deemed significant or not. Right? Just as we just decision will affect In large samples, small differences can be significant. Or small samples, may even real differences can be non-significant. Even a difference of... Uh, Practically zero can be deemed significant if the sample size is big enough. जैसे हमने मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि बड़ा टाइनी सा डिफरेंस दो ग्रुप में था लेकिन इनक्रीजिंग द सांपर साइज़ मेड दैट डिफरेंस सिग्निफिकेंट So sample size is directly related to a significance of the results or the decision or और जब हम कहते हैं कि नाराइप से रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया So that's why हम उसमें सांपर साइज तो इंक्रीज करते हैं लेकिन साथ में हम इफ एक्साइज भी रिपोर्ट करते हैं